हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपको हम ये आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फ्री फ्री फ्री। ये बिल्कुल फ्री हैं पोमेरियन के पपीज़ आप लोगों के लिए। आपको ये पपीज़ कैसे मिलेंगे और कब तक मिल जाएंगे और इसमें से क्या मिलेगा ये आपको बता दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक गांव जगह है, गांव जैसी जगह है, छोटी सा शहर है, वहाँ पे ये पपी हुए हैं और ये कहीं पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा वो आपको बता दें। अभी हम आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर आप उसमें कॉल नहीं करिए, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप कॉल करोगे तो आपको पपी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो फ़ोन नंबर है वो घर की यूज़ के लिए। आप लोग उसमें फ्री, आपको तो फ्री मिल रहा है, पर आप लोग फ़ोन करके परेशान करोगे या फ़ोन एक बार भी करोगे तो आपको पपी नहीं मिलेगा। आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वो भी मैसेज कर दीजिए, जब भी फ्री हो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल फ़ोन मत करिएगा। अगर फ़ोन करोगे आपको पपी नहीं मिलेगा और कोई बात भी नहीं होगी। इसीलिए आपसे व्हाट्सएप करिए, मैसेज छोड़ दीजिए, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15, 1 महीने, जब भी फ्री रहेंगे आपको उस पर रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे मिलेगा, कौन सा पपी मिल पाएगा। क्योंकि आप परेशान मत करिएगा, आप लोग परेशान बहुत करते हो इसलिए पपी नहीं मिल पाएगा। तो सॉरी टू से, अगर आप पपी लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका अडॉप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी हमारे वैसे भी 15 फॉर्म भर चुके हैं, पहले जो डॉग्स थे उसके 15 फॉर्म भरवा चुके हैं, तो उसके जो पपीज़ थे 6 और 7 समथिंग पपीज़ अभी दे दिए जा चुके हैं। और आपको भी मैं बता देती हूँ कैसे पपीज़ मिलेंगे, वो आपको बताऊंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ समझाऊंगी कैसे आपको पपी मिलेगा और कैसे आपको लेना है पपी को, तो आपको बताती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ, आप जैसे पपी को लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एडॉप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें आपको न्यू डॉक्यूमेंट जो बता रही हूँ ये आपको सबमिट करना होगा। और एक डॉक्यूमेंट और है वो आपको सबमिट करना होगा कि ये आप हो या आप एड्रेस है, मतलब हर एक चीज़ में प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि देन आपको पपी के डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा पपी के बारे में और फिर आप उसको एडॉप्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन सा फॉर्म है और ये कैसे फिल करना होगा आपको, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देती हूँ, है ना फ्रेंड्स। बताती हूँ मैं, ये फॉर्म है आपके सामने है, फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसमें आपको अपना नेम फिल करना होगा, आपका होम एड्रेस जो है वो फिल करना होगा, आपको इसमें डॉग्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं जैसे हमारे चैनल थ्रू अडॉप्ट कर रहे हो तो इसका नाम फिल होगा, और जो डॉग के मतलब जो गार्जियन है, मतलब जहाँ से हम डॉग अडॉप्ट करवा रहे हैं उनका नाम फिल होगा, उनका फ़ोन नंबर फिल होगा, और डॉग की एज मतलब कितने दिन का ये पपी है, एज है, मंथ्स का है या ईयर्स का है, जो भी है वो इसके साथ में फिल होगा। और जो इसमें क्या कहते हैं, डॉग की एज के साथ साथ ये मेल है फीमेल है ये ऐड होगा। और इसके बाद में जब इसकी फ़ोटो भी एक लग जाएगी क्लिक होकर वो हाल हो जाएगा, नो इशू। और जब डॉग आप लोगे उसका जो नेम आप रखोगे वो नेम भी इसमें फिल हो जाएगा, और डॉग की ब्रीड कौन सी है ये भी इसके फिल हो जाएगा। और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट फिल होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके साथ में आपको देना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट हम आपको बताते हैं, वो है आधार कार्ड। आपका जो आधार कार्ड है उसके थ्रू आपकी जो होम एड्रेस है वो आपका फीड हो जाएगा। एक्चुअली लोग कुछ भी बता देते हैं बाद में, इसीलिए बिना आधार कार्ड के को नहीं मिल सकता है पपी एडॉप्शन पे। और आप लोग प्लीज़, मैं फिर बता रही हूँ, फ़ोन मत करना। अगर जिसने भी फ़ोन करा उसको पपी नहीं मिल पाएगा, सॉरी टू से। आप सिर्फ मैसेज करिएगा, आपको एक दिन, एक हफ्ते, 1 मंथ जब भी रिप्लाई मिले मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और आप प्लीज़ फ़ोन मत करना, बस फ़ोन करने पे तो डॉग मिलेगा ही नहीं, ये तो 110% है मिलेगा ज़रूर, इसकी 100% गारंटी ले सकती हूँ। आप देख रहे हो वीडियो, ऐसा कोई वो नहीं है, जितने लोगों को मिला है आप कम्युनिटी में जाके देख भी सकते हो,
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डॉग को फिर बता रही हो ये आधार कार्ड इसके साथ में आपको देना पड़ेगा। ये आधार कार्ड में आपकी एज मेंशन होगी है, जब से मैंने तो ये हो गया आपका नेम क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि आप ही हो। और जो पपी आप लेना चाह रहे हो ना, ये बहुत अच्छा पपी है, ये प्योर क्वालिटी के पोमेरियन के बच्चे हैं, ये मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में आते हैं वैसे भी, अगर जो इनको लेना चाहते हैं। पर एडॉप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर जो लोग ख़रीद नहीं सकते हैं उनके लिए है। अगर आप थोड़े भी लगे कि आप लॉयल हो, आप ले सकते हो, तो फिर सॉरी टू से आपको मिलेगा नहीं पपी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वैसे, तो आपको नहीं मिलेगा पपी, क्योंकि ऐसे एक्चुअली बहुत लोग होते हैं उनको नहीं दे सकते हैं सॉरी टू से। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो मिल जाएगा तो सॉरी, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसे पपी नहीं दे सकते हैं आपको। तो एक्चुअली मैं बता देती हूँ, अगर आप पपी लेना चाह रहे हो ना, तो ये बहुत हेल्दी पपी है, मेल भी है फीमेल भी है, आप जो लेना चाहते हो, जो जल्दी बुक कर लेगा वो उसको वो पपी मिल जाएगा। एक्चुअली फॉर्म फिल करने में भी टाइम लगता है ना, आप करोगे फिल हम आपको देंगे तो उसमें समय लग जाता है इसीलिए फ्रेंड्स। और विदाउट फॉर्मेशन तो पपी दे नहीं सकता है जी, विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन के पपी नहीं दे सकते हैं ना, इसलिए आप फ्रेंड्स प्लीज़ टू समझिए। और मैं बता रही हूँ हर एक बात, प्लीज़ आप फ़ोन तो करिएगा नहीं, मैंने बताया। और ये पपी लेना चाहते हो अगर आप, फ्री 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 ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं देगा सर आज के टाइम में, इस टाइम पे पपी की वैसी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ये तो गिफ्टेड पपी होते हैं, पोमेरियन डॉग इज़ अ वेरी टॉय डॉग में ही होते हैं, स्मॉल डॉग होते हैं ये, स्मॉल साइज से हल्का मीडियम साइज चला जाता है। और ये इसके फर बहुत प्यारे होते हैं, ब्रम में बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, और ये बहुत हेल्दी हो जाते हैं, अच्छे खासे लगते हैं, और ज़्यादा डाइट भी नहीं होती है इनकी। और बस इनको टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कराओ और इनको खाना दे सकते हो, और कुछ ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है, ये घर का कुछ भी खाना खा लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत प्यारे डॉग होते हैं ये तो। और जैसे कि हाँ बताया आपको कि आपको जो आधार कार्ड देना पड़ेगा ना, उसके साथ साथ आपको इसके एक डॉक्यूमेंट और देना होगा, वो है वोटर आईडी कार्ड, जो मैं आपको बता रही हूँ वोटर आईडी कार्ड, वो आपको इसके साथ में देना पड़ेगा। क्योंकि ये पप्पी जब लेने हो तो उसके साथ में जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको उसकी भी एक अटैच करना पड़ेगा वोटर आईडी कार्ड। अगर आपका नहीं है तो सॉरी वो नहीं कर सकती हूँ मैं कुछ, सिर्फ एक ही है इशू जो आपको देना होगा, जो लोग लेते हैं उनको कम्युनिटी में जाके आप देख सकते हो कि उन्होंने पूरा फॉर्म फिल करा और इसके बाद में उनका पपी लिया उन्होंने। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग प्लीज़ ज़रूर 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 मतलब देखिए और पपी लीजिए। और मैं बता रही हूँ जो आईडी आपको देनी है इसके साथ में, वो है वोटर आईडी कार्ड, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वोटर आईडी कार्ड तो ऐसा होता है, वोटर आईडी कार्ड ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको पपी 100% मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आपके पास ये नहीं है तो सॉरी टू से मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी कोई नहीं देगा। हमारी टीम के जितने भी लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो पपीज देखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिल सकता है आप लोगों के लिए, तो वो जो लाते हैं तो रिक्वायरमेंट यही की है कि विदाउट वोटर आईडी कार्ड के आपको पपी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी मेंशन एज होती है 18 ईयर्स प्लस। अगर आप 18 ईयर्स के हो तो ये आपको मिलेगा पपी, वरना छोटे बेबी हो, अगर बच्चे हो आप तो आपको नहीं दे सकते। क्योंकि एक्चुअली ये फंडा होता है कि 18 से कम के लोग सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, वो पपी मम्मी पापा से जिद करके बोलते हैं कि बात कर लो पपी ले लेंगे, फिर एक्चुअली बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर इसलिए अब मना कर दिया हम लोगों ने कि बिना वोटर आईडी कार्ड के पपी देना बिल्कुल मना है जी। आपके पास होना ज़रूर चाहिए, आप किसी दूसरे का नहीं दे सकते हैं जी। और एक्चुअली जो पपी है इसका मतलब बता दूँ डिटेल पूरा, जो ये पोमेरियन डॉग बोलते हैं इसको, इसके हेल्दी है, ये बहुत अच्छे हैं, आप देख रहे हो तब से वीडियो में यहाँ वहाँ हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे पपीज हैं। और इनका मैं बताती हूँ मार्केट में अगर आप पता करोगे तो ये आजकल 6,000-7,000-10,000 तक चले जाते हैं, 4,000 से 3,000 से इनका रेट शुरू हो जाता है और 10-12 तक आराम से चला जाता है।
लोग हर प्राइस में इनको देते हैं आप। तो प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं करा तो वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और ये कंडीशन भी है शेयर करने की, आपको पपी मिल जाएगा। इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच।